राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी उपचुनाव से पहले बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। खबर सामने आई है कि प्रतीक यादव को समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल प्रतीक यादव ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन करेंगे, जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने उतर सकते हैं प्रतीक यादव? देखिए, बहुत बड़े हद तक अभी की जो तस्वीर देखी जा रही है उससे एक बात तो चीजें साफ हो गई है कि किस तरह से प्रतीक यादव और अखिलेश के बीच में जो पहले नाराजगियां थी वो खत्म हो रही है। चाचा शिवपाल के साथ भी नाराजगी खत्म हुई है। माना यह जा रहा है कि प्रतीक यादव को, जी हां, अखिलेश यादव अपनी बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जिस तरह परिवार को पहले साथ लेकर चला करते थे, पार्टी को साथ लेकर चला करते थे, ठीक इसी तरह वो भी परिवार और पार्टी को साथ लेकर चले। तो आने वाले वक्त में क्या परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को पूरी साथ लेकर चलने के लिए प्रतीक यादव को बड़ी जिम्मेदारी देगी? हालांकि पर्दे के पीछे अपर्णा भी डिंपल यादव को, समाजवादी पार्टी को समर्थन करती नजर आ रही। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है, जिस तरह समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े हद तक छोटे भाई का समर्थन मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या प्रतीक यादव जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समाजवादी पार्टी को संभालेंगे? देखिए, शिवपाल और प्रतीक यादव की एक नए तौर पर एंट्री हम समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं। और मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जो बड़ा बदलाव हुआ है, ये बदलाव अपने आप में बताता है कि अखिलेश यादव हर उस रणनीति को अपनाना चाहते हैं जिससे पार्टी और परिवार दोनों बनी रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।